उसे, अन्यथा मारुति तुम्हें दंडित करेगा। छोड़ दो उसे। आवश्यकता नहीं है, तुम मित्र हो मारुति की। मित्रता में धन्यवाद का कोई स्थान नहीं होता है। सब मारुति को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उड़ भी सकते हो? ये क्या कह रहे हो मित्र? मैं तो उस चिड़िया के शिशु की रक्षा कर रहा था। किंतु तुम उसे बचाने के लिए आकाश में उड़ गए। मारुति उड़ गया था? ये कैसे हो सकता है? पिताश्री भी कभी नहीं उड़ सके, किंतु मारुति। असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा। पृथ्वी से लेकर पाताल तक असुरों और राक्षसों का अधिकार हो गया। समस्त असुर संगठित रूप से सक्रिय हैं। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो शीघ्र ही ये हम सब पर राज करने लगेंगे। महाप्रतापी मधुपुर नरेश पधार रहे हैं। आभास तो तुम सबको ये काल ने भी कराएगा महाराज केसरी।
महाराज भद्रनाथ, इस सभा में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु आप सबके भांति संसार के प्रति मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है। संसार की भलाई के लिए मैं भी अपने विचार को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, इसलिए बिना निमंत्रण के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मधुपुर नरेश, हमें प्रसन्नता है कि आप संसार के कल्याण के लिए आयोजित इस सभा में बिना आमंत्रित ही पधारे। निश्चित ही आप प्रशंसा के पात्र हैं। आसन ग्रहण करें। असुरों का सामना करने के लिए हमें एकत्रित होना आवश्यक। आपके विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं। देखा महाराज, अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम मानव राजा को इन वानर कुल के राजाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या हम इतने शक्तिहीन हो गए? क्या हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? आज कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां राक्षसों का उत्पात ना हो। यदि एक बार हमने साथ मिलकर सामना किया तो उनकी शक्ति टूट जाएगी और वे पुनः उत्पात मचाने का साहस नहीं करेंगे। किंतु असुरों का सामना करने के लिए हमें इन वानरों की सहायता की आवश्यकता नहीं। इन वानर कुल के राजाओं में बुद्धि होती ही कितनी। इनके बल के सहारे अगर लड़े तो मायावी असुरों से तो क्या साधारण पशुओं से भी नहीं जीत पाएंगे। कहकर नरेश, इस प्रकार हम वानर कुल राजाओं का अपमान। शांत हो जाए जामराज जी। पंपा सर महाराज ने हमें विशेष निमंत्रण देकर आमंत्रित किया है, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन ना करें। तुम इस तरह घूर नहीं सकते, क्या आक्रमण करोगे? इन्हें अकेला मत समझो, हम लोग इनके साथ हैं। देखा, ये साथ देंगे हमारा। इतना कहना भर था कि इनके भीतर की पशु प्रवृत्ति बाहर आ गई। मनुष्य और वानरों को काल ने भी कभी एकजुट नहीं होने देगा। कैसी सभा? ये तो बहुत ही अनुचित है प्राणवल्लभ। राजाओं में भी ऊंच नीच और कुल का भेदभाव। एक और काल नेमी है जिसने अपनी कूटनीति से राजाओं में फूट डाल, तो दूसरी ओर सुमेरु में चक्रासुर जो अपनी क्रूरता से हाहाकार मचा रहा है। अच्छाई और बुराई समान रूप से सब जगह उपस्थित रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छाई को चुनकर सदमार्ग पर चलें या बुराई के पथ पर। एक असुर ने अपनी वृत्ति का प्रभाव कैकई नरेश पर डाल दिया। आज एक असुर सफल नहीं हुआ बल्कि बुराई सफल हुई है, और ऐसी भावनाएं जब तक सफल होती रहेंगी आसुरी वृत्ति की जय होती रहेगी। मारुति, तुम सच में उड़े थे या हमारा भ्रम था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। उड़ना कोई साधारण बात नहीं हो सकती, हर कोई नहीं उड़ सकता।
मारुति एक बार फिर उड़ के दिखा दो ना मित्र। नहीं नहीं मारुति, तुम ऐसा कुछ मत करना। उड़ान भरना सरल काम नहीं है। गिर गए तो, आघात हुआ तो, मुझे तो भय है कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मित्र, भय से भागने से अच्छा है भय का सामना करना। यदि हम भय का सामना करते हैं तो भय हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगा। और सत्य कहूँ तो भय कुछ होता ही नहीं। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, हमें भय का सामना करना चाहिए। तुम पुनः उड़ने का प्रयास करो, हो सकता है तुम और अधिक तीव्र गति से उड़ सको। लगता है तुम उड़े नहीं थे। हाँ मारुति, लगता है हमें भ्रम हुआ था कि तुम उड़ रहे थे। तुम उड़ने का प्रयास ना करो तो अच्छा है। हमें भय है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। मैंने कहा है भय मन का भ्रम होता है। मारुति पुनः उड़ेगा। जो प्रयास करना छोड़ देते हैं वो दुर्बल होते हैं। मारुति दुर्बल नहीं है। मुझे पुनः प्रयास करना ही होगा। संभवतः इस बार मारुति को सफलता मिल जाए। Oh!
विपदा के समय कोई नहीं है संसार में हमारी मदद के लिए। मुझसे तो नहीं देखी जाती लक्ष्मी बिटिया की ये दशा। चक्रक्षु से भयभीत होकर वर पक्ष वालों ने आने से मना कर दिया। अब आप ही बताइए कि विवाह कैसे संपन्न होगा। दो दिन पूर्व जिस घर में डमरू और मृदंग की मधुर ताल के साथ हमारी बिटिया की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज मात्र सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। शांत हो जाओ लक्ष्मी की मां, शांत हो जाओ। अब हमारे पास मात्र महाराज केसरी का ही आसरा है। मैं कुछ गांव वालों को लेकर उनसे सहायता मांगने जाऊंगा। न जाने क्या होगा, यदि यह विवाह टूट गया तो कौन आएगा हमारी पुत्री से विवाह करने। मारुति, क्या विचार कर रहे हो? मैं ये विचार कर रहा था कि जब भी मारुति ऐसी परिस्थिति में होता है, आप सदैव मारुति की रक्षा करने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। Ha 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 ha
कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने, कोई नहीं। आपने मारुति के सारे मित्रों को घर क्यों भेज दिया? आपको उड़ने की शिक्षा जो देनी थी, एकांत साधना ही सर्वोत्तम साधना होती है वत, और इसके लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। देव, आज से आप मारुति के गुरु भी हैं, और गुरुदेव तो पिता के समान होते हैं ना? तो आप आज्ञा दीजिए कि मारुति को क्या करना होगा। मारुति, उड़ने का कौशल कोई साधारण ज्ञान की भांति नहीं है, ये एक साधना है पुत्र, और इसको सिद्ध करने के लिए इसके नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मारुति आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। कोई नहीं है इस संसार में जो मुझ मायावी का सामना कर सके। सर्वप्रथम आपको वायु तत्व और अंतरिक्ष तत्व को साधना होगा। मैं वायु का अधिष्ठाता हूँ। मैं आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपके देह में वायु तत्व का विस्तार करूंगा। अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित कर। प्रयास करो पुत्र। अब मारुति को उड़ना आ गया है। अब मारुति और ऊंचाई तक उड़ेगा और तीव्र गति से उड़ेगा।
रुको मारुति, नीचे आओ। क्या हुआ गुरुदेव, आपने रोक क्यों दिया? मारुति, आप बहुत उतावले होकर उड़ने का प्रयास कर रहे जो कि अनुचित है, आपको चोट लग सकती है। पहले भली भांति अभ्यास करके आपको निपुणता प्राप्त करनी हो। मन को एकाग्र करके वायु तत्व पर ध्यान केंद्रित कर स्वयं को भारहीन होने का आभास करा। वायु से भी भार, किंतु मेरा भार तो आपसे भी कम है गुरुदेव। बालक मन चंचल होता है। मारुति भले ही देवांश है किंतु है तो एक बालक ही, और इन्हें बड़े बड़े कार्य भी करने हैं, इसलिए उड़ना इनके लिए बहुत आवश्यक है। देखो मारुति, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, अतः धैर्य से अभ्यास करो। एक ही मूल मंत्र स्मरण रखो, करो अभ्यास, उड़ो आकाश। अच्छा, तो आप मारुति को एक अवसर और दीजिए, किंतु आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन मारुति? यदि मारुति गिरने भी लगे तब भी आप रक्षा करने का प्रयास नहीं करेंगे। मारुति को चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, सारा उत्तरदायित्व मारुति का ही होगा। सोच क्या रहे हो आप, वचन दीजिए। वचन देता, किंतु ये गुरु का वचन है, स्मरण रहे गुरु वचन। मारुति, अभी तक खेल ही रहा है मारुति, अब तक तो उसे लौट कर आ जाना चाहिए था। ना जाने कहां उछल कूद कर रहा होगा, है कहां ये? सेविका जी, महारानी जी, तुमने मारुति को कहीं देखा? अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने गया था। महारानी, युवराज के सब मित्र तो अपने अपने घर लौट गए हैं, किंतु वो अभी वाटिका में ही है वायुदेव के साथ। वायुदेव के साथ? जी महारानी जी। वायुदेव स्वयं आए? मारुति क्या कर रहा है? मारुति, मैं तृतीय तक गिनता हूँ, तुम तृतीय पर नीचे कूदना। अवश्य गुरुदेव, आप गणना आरंभ कीजिए। मारुति, 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 प्रथम, Yeah.
मारुति, शिक्षण ले रहा था, किंतु मारुति अभी पूर्णतया सीख नहीं पाया है, इसलिए वो गिर गया था। एका क्या कहा था आपने? एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता, वही मारुति को नहीं आ रही है। मन से चंचलता को पूर्णतः निकाल दो मारुति, तभी एकाग्रता आएगी। मारुति, तुम्हें कोई प्रशिक्षण नहीं लेना है। सेवक जी, महारानी जी। मारुति को भीतर ले जाओ। जी महारानी। माँ, मारुति को तो बड़े बड़े कार्य करने हैं ना? इसीलिए मारुति को तोड़ना सीखना ही होगा। तुम बड़े हो जाओगे तब सीखना, अभी चलो। चलो मारुति। मारुति, आज के लिए इतना प्रशिक्षण पर्याप्त है पुत्र। माँ की आज्ञा का पालन करो और भीतर जाओ। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्मरण रहे पुत्र, कभी भी कहीं भी विजय पानी हो तो अपने मन को शांत रखना अनिवार्य होता है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो हाथ में आई हुई विजय भी पराजय में परिवर्तित हो जाती है।
पाबंद है। मारुति के प्रति आपके स्नेह के लिए मैं स्वयं को धन्य समझती, किंतु देव मारुति बहुत अल्प आयु का है और आप उसे उड़ना सिखा रहे थे। मुझे चिंता है कि कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो। देव, माँ का अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। आप माँ की दृष्टि से मारुति को केवल अबोध बालक के रूप में ही देख रही हैं, किंतु मुझे उसकी शक्ति के प्रमाण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देवी, मारुति अन्य बालकों की भांति कोई साधारण बालक नहीं है। उसे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो उसे उड़ना तो एक दिन आना ही है। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है देव, वो पिता के समान कठोर कभी हो ही नहीं सकता। माँ उसे सदा अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती है। देवी, शिशु भी चलना तभी सीखता है जब वो बार बार गिरता है। यदि गिरने के भय से माँ उसे अपने आंचल में ही रखेगी तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसे अपने चलने की शक्ति का ज्ञान कभी नहीं होगा। मारुति को भी स्वयं की शक्ति से परिचित होना आवश्यक है। अन्यथा क्षमा करें देव, आप मारुति की शक्ति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु आप उसकी अल्पायु की ओर देख ही नहीं पा रहे। अपार शक्ति की तुलना अल्पायु से नहीं कर सकते। शक्ति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे, किंतु आप उसकी अल्पायु की ओर देख ही नहीं पा रहे। अपार शक्ति की तुलना आप अल्पायु से नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाती हूं। ये छोटा पात्र है और ये बड़ा पात्र है। देखिए देव, छोटे पात्र में क्षमता ही नहीं थी कि बड़े पात्र का जल उसमें समा सके। इसी प्रकार अल्पायु के अबोध मारुति को इतनी शक्तियां प्रदान ना कीजिए। देव, असमय ही प्राप्त की हुई शक्तियां मारुति को हानि पहुंचा सकती हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मारुति की शक्तियों को तब तक बढ़ावा ना दें जब तक उसकी बुद्धि इन शक्तियों को संभालने के योग्य ना हो जाए। देवी अंशना, मैं तो निमित्त मात्र, करने वाला तो विधाता है। मारुति को समस्त विद्याओं का ज्ञान तो होना ही है। आपके आग्रह करने से मैं तो भले स्वयं को रोक, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे।
कल्याण हो। आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे, आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे थे। देखो पुत्र, ये उड़ने का अभ्यास मत किया करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। अच्छा, माँ को ना मारुति के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करनी है। माँ को चिंता है कि मारुति उड़ नहीं पाता है। यदि मारुति भली भांति उड़ने में सफल हो गया तो माँ मारुति से अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। हे देवेश्वर, अंजना को तो ज्ञात है कि मारुति एक विशेष बालक है। उन्हें मारुति की अद्भुत शक्तियों और क्षमताओं का भी ज्ञान है, फिर भी वो चिंतित रहती हैं, जैसे मारुति कोई साधारण बालक हो। हे करुणामयी देवी, माँ के प्रेम की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। माता का मातृत्व अपने पुत्र को सदैव बोध बालक ही मानता है। भले ही पुत्र कितना भी महान और शक्तिशाली हो, उसका मन अपने पुत्र में कभी देवता का दर्शन स्वीकार नहीं करता। ना कभी माताओं के प्रतिबंध रुकेंगे और ना कभी पुत्रों की चपलता समाप्त होगी। ये लीलाएं तो सृष्टि के अधिकाल से होती आ रही हैं और होती ही रहेंगी। यदि चक्रासुर पुनः आ गया तो तुम लक्ष्मी को लेकर राजभवन की ओर ही भागना। और तुम सब सुनो, हमें शीघ्र राजभवन की ओर चलना चाहिए ताकि हम महाराज केसरी से अपनी सहायता के लिए गुहार लगा सकें। अब वे ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। चलो चलो। और इसी प्रकार राजा की अनुपस्थिति में युवराज ने राज्य के सारे कार्य कर लिए। माँ, इसका अर्थ है जब राजा राज्य में ना हो तो युवराज को ही उनके सारे कार्य करने चाहिए। घंटी की ध्वनि इतनी रात को कौन पूजा कर रहा है? ये मंदिर के घंटे की नहीं, दरबार के बाहर लगे घंटे की ध्वनि। प्रजा में जब भी किसी पर कोई संकट आती तो वो राजा की सहायता मांगने के लिए इस घंटे को बजाते हैं। लगता है कोई संकट में है माँ। अरे रे, तुम्हें उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। मैंने कहा ना
मैं देखती हूँ, चलो सो। मुखिया जी अभी महाराज राज्य से बाहर गए हुए हैं। प्रणाम महारानी। प्रणाम 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 महारानी। प्रणाम महारानी। क्या बात है, इतनी रात को आप सब यहाँ? आप सब बहुत भयभीत लग रहे हैं, कोई दिवदान बड़ी है क्या? महारानी जी, हम सब मृदंगपुर के वासी हैं। हमारे गांव में एक भयानक असुर चक्रासुर आ गया है। महारानी जी, कल मेरी पुत्री का विवाह होना है, तो उस असुर के भय के कारण वर पक्ष के लोगों ने हमारे गांव में आने से मना कर दिया है। अब कैसे होगा मेरी पुत्री का विवाह? अब तो महाराज ही केसरी हमारी सहायता कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। तनिक भी चिंता मत कीजिए, महाराज कल सुबह ही लौट रहे हैं, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। कल सुबह? मैं आप सबकी चिंता समझ सकती हूँ, मंत्री जी। जी महारानी जी। आप अभी जाइए इनकी सहायता के लिए, जितने सैनिक ले जाने हैं ले जाइए। जी महाराज की अनुपस्थिति में ये कार्य आपको ही करना है। जी महारानी जी, धन्यवाद धन्यवाद। किंतु महारानी जी, प्रजा के साथ आपकी और युवराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी है मुझ पर, और महाराज ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम राजभवन छोड़कर कहीं ना जाएं। राजा का प्रथम उत्तरदायित्व होता है प्रजा की सुरक्षा, राजा का धर्म और कर्म होता है प्रजा की सुरक्षा। इसीलिए आप वैसा ही कीजिए जैसा मैं आपको निर्देश दे रही। किंतु महारानी जी, इसे आप मात्र मेरा निर्देश मत समझिए, अपितु मेरा आदेश भी समझिए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। धन्यवाद 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 महारानी जी। आप सबको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सैनिक भेज रहे हैं आपकी सहायता के लिए, आप सब निश्चिंत रहिए। महारानी जी। मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। सेवक और संरक्षक तुम ही तो होगे। राजा की अनुपस्थिति में युवराज ने राज्य के सारे कार्य कर लिए। We'll be right back.
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सब चिंता ना करें, पिताश्री राज्य में नहीं है तो क्या हुआ, मारुति चलेगा आप सबके साथ। मारुति रक्षा करेगा आप सबकी चक्रासुर के आतंक से। हम युवराज हैं सुमेरु के, हमारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। जा सकते, तुम बालक हो, युवराज का उत्तरदायित्व निभाने की आयु नहीं है अभी तुम्हारी। हाँ युवराज, महारानी जी उचित कह रही हैं, मंत्री जी और सैनिक है ना चक्रासुर का सामना करने के लिए। परंतु आप चिंता ना करें, हम है ना। आइए मुखिया जी। माँ जाने दीजिए ना माँ, प्रजा को हमारी आवश्यकता है। मारुति तुम नहीं जाओगे। माँ आप चिंता क्यों कर रही हैं, मैंने वृक्षासुर को भी मार गिराया था और क्या। और पिताश्री ने भी तो कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में पूरे राज्य की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व मारुति का ही होगा। मैं संभाल लूंगा सब कुछ माँ, आप तनिक हट करना बंद करो, चलो अपने कक्ष में और सो जाओ। चलो चलो। नेत्र बंद करो मारुति और सो जाओ। भगवान शिव की बड़ी कृपा है हम सब पर, मुझे पूर्ण भरोसा है भोलेनाथ पर, वो हमारी प्रजा की रक्षा अवश्य करेंगे। नेत्र बंद करो मारुति, सो जाओ। और ध्यान रहे कल प्रातः मुझे यहीं पर मिलना। महारानी जी। अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है, भोजन परोस दिया है। जब तक मेरी प्रजा संकट में है, मेरे मुंह से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जब जब आपके भक्तों पर विपदा आई है, आपने सदैव उनकी पीड़ा हरी है प्रभु। मेरी प्रजा पर आए संकट को दूर कीजिए प्रभु, उनकी रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। भोलेनाथ, देवी अंजना ने तो मारुति को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। हे जगत जननी,
आपको तो ज्ञात ही है ममता का आंचल सुख की छांव होता है संतान के लिए, किंतु कभी कभी यही आंचल बंधन भी बन जाता है। यह दुविधा नहीं है, स्नेह है, प्रेम है मां का, जो बंधन के रूप में मारुति के समक्ष उपस्थित हो गया। परंतु देवेश्वर, मारुति इस बंधन से निकलेंगे कैसे? मारुति का जन्म तो असुरों का नाश करने के लिए हुआ है, किंतु देवी अंजना ने मारुति को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रातः अपने कक्ष में ही मिलना। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। अब कैसे होगा मेरी पुत्री का विवाह? अब तो महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। गांव वालों पर संकट, चक्रासुर मारुति आ रहा है। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। अब पिताश्री की बातों को पूरा करने का समय आ गया है। मंत्री जी, यहाँ शरण लेनी पड़ी है सारे गांव वालों को। मेरे घर के साथ साथ गांव वालों के अधिकांश घर उजड़ गए हैं। ये वो सामान है मंत्री जी, जो कुछ हम साथ ला पाए,
बाकी सब तो नष्ट हो गया उस असुर चक्रासुर के चक्रवात में। मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, हम और हमारे सैनिक आपके साथ हैं। सैनिकों, इस सारे क्षेत्र को घेर लो और जैसा मैंने कहा था वैसे ही सुरक्षा घेरा बनाओ, शीघ्र बनाओ। मुखिया जी, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि चक्रासुर यहाँ आता भी है तो इस लोह कवच के घेरे को भेदना उसके लिए सहज नहीं होगा और वो इस घेरे को तोड़ने में उलझा रहेगा और तब तक हम उसे घेर कर समाप्त कर देंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो मंत्री जी, तो आप कितना ही प्रयास कर लें कुछ नहीं होगा। भयानक असुर बहुत बलशाली भी है और माया भी, न जाने क्या होगा। हे ईश्वर, हम सबकी रक्षा करना। सैनिकों, द्वार खोलो। आओ सैनिकों। सैनिकों, द्वार बंद करो। बचाओ। आओ बालक, आओ, हम तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि मैं हूँ अति बल, मुझ में है बल 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 बला बल बल। मुझे निकालो, मेरी रक्षा करो। हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, तत्पश्चात हम तुम्हें खाएंगे। अब परंतु हम तो मांस का भक्षण करते ही नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ, फल खाता हूँ फल, कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, तत्पश्चात तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करेंगे। मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ। आओ आओ बाहर आओ, बाहर आओ बालक, बचाओ बचाओ। अरे कोई है। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, बचाओ, कोई है, बचाओ। लगता है कोई संकट में है। बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। ये तो एक नहीं दो दो बालक हैं। जाओ सखा, इनकी रक्षा करो। जाओ सखा जाओ। Ah!
ये तो बड़ा ही विचित्र वानर बालक है, मायावी और बलशाली भी है। मित्र, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हैं ना तुम्हारी सहायता के लिए। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। अरे, आंसू क्यों बहा रहे हो? मारुति के रहते तुम्हें किसी से कोई भय नहीं है। हम मारुति हैं, यहाँ के युवराज। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँच गए? चक्रासुर आया था, उसने हमारे गांव के ऊपर आक्रमण कर दिया। चक्रासुर? उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। सारे गांव वाले भाग निकले, मैं भी भागता हुआ इस वन में आ गया और आके इस गड्ढे में छुप गया, और चक्रासुर का बवंडर उसके ऊपर से निकला, किंतु ना जाने मैं कैसे बच गया। चक्रासुर? तुम अभी भी भयभीत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ बालक? बालक? हम बालक नहीं है। दिखने में तो तुम बालक ही लगते हो, छोटे से। हम छोटे नहीं, वामन है वामन। हम तो इस बालक की सहायता कर रहे थे ना? नहीं नहीं, ये मुझे भयभीत कर रहे थे। छोटा है ना, नन्ना सा, अबोध, समझ ही नहीं पाया। हम तो इसकी सहायता कर रहे थे और ये भयभीत हो गया, है ना? हाँ, अब समझा। चक्रासुर के भय से भयभीत हो गया था। हो सकता है इसने समझा होगा कि हम भी चक्रासुर के ही मित्र हैं, है ना? ये मैं क्या बोल गया? कहीं इसे संदेह हो गया तो? बालक, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, है ना? मैं तुम्हें बचा रहा था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरा गांव, मेरा घर सब उड़ा के ले गया वो चक्रासुर। चिंता मत करो, सब पहले जैसा हो जाएगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है, दिखने में छोटा और बातें बड़ी बड़ी। कहीं ये वही तो नहीं जिसने वृक्षासुर को मारा? यदि ये वही है तो इस पे दृष्टि रखनी होगी। चलो, मैं तुम्हें गांव वालों तक सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। तुम्हें आना है तो तुम भी आ सकते हो, सुरक्षित रहोगे। अतिबल, ये पत्र, इस पत्र को तुम सुमेरु जाने के पूर्व चक्रासुर को दे।
नहीं नहीं, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जाओ तुम लोग जाओ जाओ। मेरा हाथ कस के पकड़ लो, छोड़ना मत। हमें चक्रासुर को ढूंढना होगा, किंतु इस भेष में नहीं, भेष बदल के। क्योंकि मुझ में है बल, बल बला बल बल। कहीं भी लुढ़कता रहता हूँ। कहाँ मिलेगा चक्रासुर, कहाँ मिलेगा वो, ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये है चक्रासुर। चक्रासुर, मुझे पुकारने का प्रतीत होता है सारे गांव वाले यही हैं। शिवराज मारुति यहाँ शिवराज मारुति, इतनी रात में आप कैसे आ गए? शिवराज मारुति, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। महारानी जी ने मंत्री जी और सैनिकों को हमारी सुरक्षा के लिए ही भेजा है। मुखिया जी, मारुति का भी तो उत्तरदायी बनता है ना प्रजा के प्रति। आप चिंतित ना हो, मारुति चक्रासुर को उचित दंड देकर ही जाएगा। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आप छोटे बालक हैं और वो भयानक असुर। पर मुखिया जी, मारुति युवराज है। अब मैं कैसे समझाऊं, इनकी सुरक्षा करूं या मंत्री जी भी यहाँ नहीं है। कौन है तू? क्या मैंने कर रहा है? दिखने में तो तू भी एक असुर ही लगता है। असुर मैं हूं, अति बल बल बला बल बल। लंकेश रावण, लंकेश का संदेश लेकर आए हो तुम। चक्रासुर, तुम्हारे असुरी कार्य से मैं लंकेश रावण अति प्रसन्न हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आतंक का ये कार्य और बढ़ाओ। और तुम्हारे लिए ये आदेश है कि लंका के कोष को स्वर्ण से भर दो। और एक विशेष बात, तुम्हें अतिबल की हर संभव सहायता करनी है। लंकेश रावण। चक्रासुर के भय से धरती कांप उठती है, आकाश थरथराने लगता है।
जहां देखो भय का साम्राज्य फैला दिया है चक्रासुर ने। अब मेरा ये संदेश भी दे देना लंकेश को कि चक्रासुर वो सब करेगा जो लंकेश ने कहा है। बता क्या सहायता करनी है। एक वानर बालक है जिसने वृक्षासुर जैसे भयानक असुर का वध कर दिया है। लंकेश को संदेह है कि अवश्य ही उस वानर बालक के ऊपर किसी न किसी देवता का वरद हस्ता है। कौन है वो देवता जिसने उस वानर बालक पर इतनी कृपा बनाई हुई है, यही जानना। अच्छा। और ये तभी संभव है जब तुम उस वानर बालक को अपने चक्र में लोगे। तभी तो वो देवता उस वानर बालक की सहायता के लिए सामने आएगा। और मेरी सूचना के आधार पर लंकेश रावण उस देवता को सबक सिखाएगा। बल बला बल बल, मैं हूँ अति बल। मेरा चक्र तो अभी से उसे अपने चक्र में लेने के लिए उतावला हो रहा है। कहाँ मिलेगा मुझे वो वानर बालक? तुमसे मिलने से पूर्व मुझे एक वानर बालक मिला था। मुझे शंका है कहीं ये वानर बालक वही तो नहीं। मुझसे मिलने के उपरांत वो वानर बालक मृदंगपुर गांव की ओर गया। तो चलो मृदंगपुर गांव की ओर। तुम ये सब करोगे कैसे? तुम तो मानव पृथ्वी पशु पक्षी यहाँ तक कि वृक्ष किस वस्तु को भी अपने चक्रवात में फांस लेते हो, उसका तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए। तो तुम देखना चाहते हो वो कहाँ जाते हैं? हाँ। उचित है, दिखाता हूँ तुम्हें, ले चलता हूँ तुम्हें एक नए संसार में। आओ। ये मैं कहाँ गया? ये तुम्हारे चक्र में मैं घूम रहा हूँ। अरे कैसे घूम रहा हूँ मैं चक्र? ये देखो ये साधु गाय, ये मनुष्य पशु और ये मंदिर भी है यहाँ। ये देखो स्वर्ण आभूषणों का भंडार। स्वर्ण आभूषण चकरा गए ना चक्रासुर का ये साम्राज्य देखकर। ये है हमारा चक्र नगर। अभी आता हूँ। जाओ जाओ। बलबला बलबल, ये कोई पुतला नहीं है और ना ही ये मरा हुआ है। बलबल बलबल नहीं, अति बल, मैं अति बल हूँ। हाँ भाई, ये मनुष्य ये पशु ये जीवित है। हाँ जीवित। हमारे चक्र नगर का सिद्धांत है
जीव मात्र पर दया कर। अच्छा? आ, जीवन नहीं छीनता हूँ मैं इनका, इसलिए ये सब जीवित है, किंतु मैं इन्हें मिट्टी की मूर्ति में परिवर्तित कर देता हूँ। अब ये जीवित होते हुए मेरे नियंत्रण में है। मेरे खिलौने हैं ये। खिलौने? फिर तो मैं भी खेलूंगा। बहुत आनंद आता है मुझे इनसे खेलने में। युवराज मारुति, आप यहां आ ही गए हैं तो यहीं रुकिए। मंत्री जी असुर चक्रासुर को ढूंढने गए हैं, उनके आते ही हम सैनिकों की सुरक्षा में आपको राजभवन पहुंचा देंगे। आप मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़िए और इस धवल मुख की चिंता कीजिए, हो सके तो इसे इसके माता पिता तक पहुंचा दीजिए। मारुति चक्रासुर का अंत कर ही वापस लौटेगा। अब बाल हट छोड़िए, कहीं आपको कुछ हो गया तो? मारुति को कुछ नहीं होगा मुखिया जी, आप इसकी और गांव वालों की सुरक्षा कीजिए। जब तक मैं या मंत्री जी ना लौट आए, ये आपके युवराज का आदेश है आपको। युवराज, आपकी अनुपस्थिति में चक्रासुर यहाँ आ गया तो? वो देख रहे हो डमरू, उसे बजा देना, मारुति आ जाएगा। चला गया वो, उसे ढूंढ ढूंढ कर बहुत थक गया हूं। थोड़ा विश्राम कर लेता हूं इस ब्रिज के नीचे। तुम जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, मेरी दृष्टि से तुम बच नहीं सकते। कौन हो तुम ये मैं जानकर ही रहूंगा। अरे माल डाला रे। कहाँ चला गया ये चक्रासुर, कहीं मिल ही नहीं रहा, कहाँ ढूंढूं अब उसे। वही दिखाई दे रहा है चक्रवात जैसा, वही चक्रासुर होगा। आ, 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 माल डाला रे, तोड़ दी मेरी कमर।
न जाने पाए ये चक्रासुर आक्रमण। बात हो गई है उठ खेलिया, अब मेरा प्रहार भी देख लो मूर्खो। सैनिकों को डट कर सामना करो, आज हम इसे मार कर ही रहेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। आओ, आओ। सैनिकों चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा चल बसा। चक्रासुर के चक्र नगर में चल कर बस गया। युवराज मारुति, महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, मंत्री जी और उनके साथ गए सैनिकों का कुछ पता नहीं चल पा रहा, इतना ही ज्ञात हो पाया है कि चक्रासुर के साथ मंत्री जी का भीषण युद्ध हुआ है।
हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करो प्रभु। स्वामी को अभी लौटने में समय है, कैसे भी इस संकट को दूर कीजिए। मैं अपनी प्रजा और सैनिकों की सुरक्षा के लिए शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक वो सब सुरक्षित लौट नहीं आते। लगता है सुमेरु में कोई शूरवीर नहीं बचा जो एक बालक को भेज दिया मुझे चुनौती देने। युवराज नहीं, मेरे मार्ग से हट जा वानर बालक। युवराज लौट आओ, युवराज तुझे तो एक तिनके की भांति उड़ा कर ले जाऊंगा मैं और अपने चक्रनगर में तेरे साथ क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आएगा मुझे। तू 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 मेरा छोटा छोटा सा खिलौना। खिलौना तुम्हें ज्ञात नहीं है, मैंने वृक्षासुर का अंत किया था। श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदा शिवो देवता अनुष्ठुप छंदः श्री सदा शिव प्रीत्यर्थ शिव रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अच्छा तो तू है वो वानर बालक जिसे मैं ढूंढ रहा था। हाँ, जो संकट में होता है उसका संकट हरने के लिए मारुति आगे आता है। अच्छा तो तुम संकट हरोगे इन सबके, वृक्षासुर का वध करके स्वयं को शूरवीर समझने लगे हो तुम, किंतु मैं वृक्षासुर नहीं चक्रासुर हूं। चक्रासुर चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरीविनायकोपेतम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् शिवं ध्यात्वा दशभुजम् शिव रक्षा पठे नरः। चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा उछल बसा। Thank you.
ईश्वरः पातु कन्धरायं क्षितिकन्धरः। Enjoy more Mytho TV content like this. Please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us for more interesting and entertaining videos.